सबने ये मतलब ये बनाए हैं अलग अलग चीजें। बैठ के निकाल रही हूँ। हम लोग क्या सुबह से सल्दे सवरने में लगे थे? हाँ, नहीं। हाँ, अभी बोल रहे हैं। हाँ। आप भी रोजाना ये रंगोली बनाते रहते हो क्या? ब्लॉग का वेलकम हो चुका है और आप देखिए मतलब कि आज रूप चौदस है। सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी शुभकामनाएं दो अभी ने दे दी, मुस्कुरा के आपको शुभकामनाएं दे दी। पता आज के दिन का जो त्यौहार होता है ना, वहाँ महिलाएं सस्ती दस्ती हैं और सारा सब कुछ तैयार होती है। मतलब कोई मेहंदी वेहंदी, मतलब कुल मिला के आप समझ जाओ महिलाएं कैसे सस्ती है। वैसे फिलहाल अभी हम लोग तो बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं। पता जो बाहर जो महिलाएं आज सज धज रही होगी और हमारे घर की लेडीज को देखो वो क्या काम में लगी हुई है। सर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हमारे मम्मी संगीता और नैना ये किस काम में लगे हुए हैं। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनका सरदा चलता उनकी रूप चौदस कैसे मन रही है। चलो। ओ, वो अच्छा वो ये तो नैना चाय बना रही है और इधर संगीता और मम्मी। हाय मम्मी। हाय बेटा। सकले दिखाओ सकले। हाँ जी, हाँ। तो क्या हो रहा है? ये तिल पपड़ी बन रही है इधर तो। सो मम्मी और संगीता लगे हुए हैं तिल पपड़ी बनाने में। तो मम्मी काफी जोरदार लग रही है तिल पपड़ी। ये पीस हो गए छोटे छोटे स्क्वायर शेप के, इधर देखिए। वाओ। और अब क्या प्लान है पूरे दिन? आज रूप चौदस है तो तुम लोग पूरे दिन किचन में रहने वाली हो या? हाँ, मतलब त्योहार है तो उसका लोड तो रह गए लेडीज के ऊपर, घर के ऊपर। तो बस त्योहार है तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बस मिठाइयाँ बनने वाली, अलग अलग तरह की नमकीन चीजें बनेगी, मीठा बनेगा। अच्छा, कल मतलब दिवाली के दिन पूरे दिन फ्री रह पाए इसलिए? हाँ, तो कल पूरे दिन फ्री रहे। तो मतलब आप मेहंदी वेहंदी ये सारी चीजें वो भी करेंगे, मेहंदी भी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि त्योहार है तो फिर वो मेहंदी वेहंदी नहीं, वो सब भी करेंगे हम। अच्छा, ये तो चलता रहेगा शाम तक संगीता और मम्मी, और ये मिठाई का जो क्रेज है हर साल चलता रहता है। वैसे ही हम चलते हैं अभी ऑफिस, क्योंकि हमारे जो शोरूम पे भी काफी गजब हो गया। मतलब पूरे सब शोरूम खाली खाली हो गए, वो आपको दिखाते हैं और फिर तुरंत आते हैं घर पे। बाय बेटा। वो अभी मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। शाम को जल्दी आना, पटाखा फोड़ेंगे। ओके ओके, ठीक है, डन। तो फाइनली हम लोग घर से शोरूम पे पहुंच चुके हैं। बेगू आने देखिए हमारी गाड़ी खड़ी कर दी, और रवि अनिल और बाकी स्टाफ अभी आना है, पर ये लोग सर्विस कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली। सब कुछ खाली हो गया ना? ये देखिए आप, शोरूम बिल्कुल खाली खाली हो गया, अंदर से गोदाम तक खाली हो गया। अभी बिजले चलेंगे तो वो भी बताएंगे, सब कुछ खाली हो चुका है। सो अभी हमारा एक गोदाम ये है, ये भी पूरा खाली हो गया, सिर्फ एक ट्रैक्टर बचा है। और बिजुलिया में भी क्या है कि हमारा सब कुछ खाली हो चुका है, वहाँ के गोदाम में हम जा नहीं पाते, बट पर सब कुछ खाली हो गया। सो फ्रेंड्स, ये रूप चौदस हमारी जोरदार मनने वाली है। भाई आप ऑफिस में चलेंगे सबसे पहले ना, शाम को थोड़े जल्दी फ्री हो जाना। सो अभी हम शाम को सारे चलेंगे शोरूम पे शॉपिंग के लिए। पता ही है आपको रूप चौदस है आज, और हम सब किचन में लगे हुए, मतलब घर की जो लेडीज है उन्हें अभी तैयार होने का ज़्यादा टाइम मिले, मतलब मिला नहीं अपने लिए मेहंदी वेहंदी लगाने का। एक हाथ में लगी है मेहंदी, बाकी है तो हम सब अभी तो तीनों किचन में लगे हुए हैं। मैं, मम्मी, नैना, हम तीनों ने मिलकर क्या क्या बनाया है वो दिखाती हूँ अभी आपको, ठीक है? तो चलते हैं अभी सीधे किचन में। पहले तो बहुत सारी चीजें बना दी वो, और अब इधर बना रहे हैं। इधर घी गरम कर दिया है, और इधर अब क्या बनने वाला है? इधर गुलाब जामुन बन रहे हैं। गुलाब जामुन बनेंगे, तो अब घी गरम हो रहा है इधर। इधर तो ये है गुलाब जामुन की चाशनी, और इधर ये घी गरम हो रहा है गुलाब जामुन के लिए। जामुन की छोटी छोटी सी लोइयां तैयार हो गई है। मम्मी गुलाब जामुन तल रहे हैं, और मीठे नमकीन में मतलब और क्या क्या बनाया एक्चुअली में नमकीन चीजें बाकी जो है ना। हाँ। इसके अलावा सुबह से हमने नमकीन चीजें बनाई, और क्या क्या नमकीन चीजें बनाई है वो दिखाते हैं। सारे चीजें जो हम सुबह से किचन में लगे पड़े हैं, हम सबने ये मतलब ये बनाए हैं अलग अलग चीजें। तो इधर से शुरुआत करते हैं। ये मटरी है काजू वाली शेप की, और ये इधर दही पपड़ी के लिए टाइप की इस मतलब गोल पपड़ी बनाई है हमने, और ये चकरी वाली नमकीन है, और ये सेव है ना बड़ी वाली शेप, और ये इधर है बारीक वाली, और ये इधर पपड़ी वाली, और ये इधर है छोटी छोटी शेप की है मटरी है, अलग अलग काजू वाली तो वो हो गई, और ये इधर है काजू कतली वाली डायमंड शेप है, और ये इधर फीके दाने हैं रायते वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं वो। ये है बेसन मूंगफली, और ये इधर है मतलब दाने हैं दाने, और ये मूंगफली दाने में मूंगफली मिक्स है। तो ये सब चीजें हमने बनाई है सुबह से लेके मतलब अभी तक किचन में जो हम लगे पड़े हैं, बहुत सारी चीजें बनी है। और चिवड़ा रह गया, चिवड़ा अंदर है। चिवड़ा अंदर डिब्बे में हमने पैक कर दिया, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए चिवड़ा भी बनाया था हमने, और ये है तिल पपड़ी, ये सुबह सुबह बना रहे थे हम जब वो ऑफिस जा रहे थे तब। नमकीन खा रहे हो? कैसे लगे आपको नमकीन? यम्मी लगी बहुत। ये देखिए गुलाब जामुन बन रहे हैं यहाँ पे, और ये तो चाशनी में डाल दिए गए हैं, और ये इधर तले जा रहे हैं ना। हाँ। बहुत ही मतलब ये मतलब यम्मी लग रहे हैं तो देखने में ही,
रुका ही नहीं जा रहा, बस फटाफट बन जाइए फिर खाते बैठ के गुलाब जामुन। बस लास्ट है, बन गए। हाँ ये लास्ट वाले है ना। हाँ लास्ट वाले ये बन गए, ये देखो कितने अच्छे गोल गोल, ये देखिए कितने गोल मटोल और चाशनी से मतलब भरपूर गुलाब जामुन, घर के बनाए हुए ताजे ताजे गुलाब जामुन गोल मटोल। मैं खड़ी खड़ी थक गई ना, इसलिए कोई बात क्योंकि हम सुबह से लगे पड़े और अभी 3 बज गई है, टाइम हो गया 3 बज गई है, सुबह से लगे हुए हम किचन में इसीलिए थक गए हैं। मैं बैठ के निकाल रही हूँ। कोई नहीं, चलता है इतना तो। सारे काम निपटा के मैं घर पहुंच गया था, पहुंचते पहुंचते आज भी मतलब कि अंधेरा पड़ गया। पता है आज रूप चौदस थी और आपको पता है कि शोरूम पे कुछ काम नहीं था, मतलब कि आपको हमने देखा कि हमारे सारे शोरूम खाली हो चुके हैं, मतलब बेगू भी खाली हो चुका है, बिजुले भी खाली हो चुका है। बिजुले था, मैं आपको गोडाउन दिखा नहीं पाया था क्योंकि चल नहीं पाए थे, टाइम मिला नहीं था। फिलहाल अभी ये सारा काम तो निपट गया, तो डेली का काम है। अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और घर पे देखिए पूरी जोर तरीके से रूप चौदस मनाई जा रही है। मम्मी, संगीता और नैना मतलब सजने संवरने में और मेहंदी लगाने में लगे हुए, सो उन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या होता है रूप चौदस के बारे में। वैसे महिलाओं का त्योहार भी होता है तो अपन उनसे ही पूछ लेते हैं, संगीता से। संगीता। हाँ जी। तो क्या चल रहा है, मम्मी की मेहंदी लग रही है? मम्मी बस हाँ। फुल रूप चौदस चल रही है? मेहंदी लगा रही दोनों चेहरे मेरे दोनों हाथों के। अच्छा तो संगीता कब से लग रही है? मुझे लग रहा है कि आज तुम सुलोक सुबह से इसी कामों में लग रहे हो। मेहंदी तो कल से ही लगा रहे हैं नैना, हम दोनों ने कल हमारे एक एक हाथ में तो कल लगा दी थी। अच्छा आधा होमवर्क तुम लोगों ने कल कर लिया था रूप चौदस का, अब आज क्या रहा? आज तो सिर्फ मम्मी मम्मी की रही, नहीं मम्मी मम्मी की रही और हमारे एक एक हाथ रहे बस। अच्छा ये मम्मी संगीता के लास्ट का होमवर्क रहेगा जो बाद में करने वाली, नहीं संगीता? तो मम्मी की फिलहाल मेहंदी लग चुकी है, आप देखिए आधे आधे हाथ। ये तो रूप चौदस चलती रहेगी संगीता की ये, और हमें काम करते हैं कि जो पूरा मकान जो जगमगा है ना, बाहर जो दीपक लगे हुए काफी जोरदार लग रहे हैं। मम्मी एकदम जोरदार लग रहे थे दीपक एकदम। सो अभी हम लोग वो दीपक और लाइटिंग देख के आते हैं कि हमारी दिवाली पे लाइटिंग कितनी जोरदार भी। सो आपको पता ही है दीपक के बिना तो वैसे भी दिवाली अधूरी होती है, तो चलते हैं हम लोग बार और दीपक और लाइटिंग दोनों देख के आते हैं। भगवान का मंदिर सज चुका है, किचन विचन सब जगह दीपक हो रहे हैं। ये देखिए दो दीपक लगे हुए और ये भगवान का हमारा छोटा सा मंदिर है जो पूरे सजा बजा पड़ा है। क्या चल रही बेटी? अच्छा भगवान के मंदिर की लाइट भी चल रही है, आपने देखा था बाहर तो हमने सजा दिया था पर भगवान की भी मतलब पूरा कम्प्लीट सजा हुआ है। किचन में भी दीपक लगा रखा है, अब चलते हैं बाहर। बाहर कितने अच्छे दीपक लग रहे थे और सज रहे थे, मतलब काफी जोरदार लगे दीपक और मकान सजा गए। हम तुरंत से ऊपर आ गए। अब फिलहाल विष्णु जो मिठाइयां लाके रख दी थी वो भी दिखाते हैं और संगीता भी फ्री हो गई है। विष्णु जो पैकेट लेके आया था ना मिठाई के, वो ये पड़े हैं पूरे के पूरे पैक, और इस साइड पे भी मतलब कार्टून में इन सब में पड़े हुए। अच्छा जो पटाखे भी लेके आया, बच्चे को तो पटाखे होते हैं ना? अब कितना टाइम और लगेगा यार, इतनी देर तो हो गई तुम लोगों को, मम्मी को कितनी देर और लगेगी? मैं सब कुछ देख के आ गया, खाना खा गया फिर भी तुम फ्री नहीं हुई। बस ये फाइनल टच चल रहा है। मम्मी की मेहंदी लग गई, मम्मी देखिए मेहंदी बता रहा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, काफी जोर से। काफी देर से मेहनत कर रही थी इसलिए लग गई है। दोनों ने लगाई, एक हाथ के नैना ने लगाई, एक के संगीता ने लगाई, काफी जोरदार लग रही है। संगीता ने बनाया था और ये नैना ने बनाया था, और काफी जोरदार लग रही है, बहुत अच्छी बन रही है। कहाँ है मुझे दिखाओ, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। वाह ये तो सरप्राइज वाली रंगोली निकली। वाह ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, कलर से थी तो छुपा के रख रखी है। किसी ने इसका छुपा के क्यों रख रखी थी? अरे किसी का गलती से पैर वगैरह नहीं लग गए तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है ना। बाल्टी रखी हुई है अभी, और अभी तो मतलब कि बच गए जो ठीक रहा थे, अभी तो संगीता की मेहनत सारी खराब हो जाती। तो मैं जा रही हूँ अपने कलर और ब्रश लेके, फटाफट नीचे आ जाना आप पटाखे वगैरह लेके। बिल्कुल 10 मिनट में आ रहे पटाखे लेके, और अभी को लेके 5 मिनट में, 10 मिनट में नहीं 5 मिनट में आ जाइए। ठीक है ठीक है भाई, रह ना ठीक है, बाय बाय। बाहर की क्यों करो, मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है जल्दी आओ ना। ठीक है ठीक है, पकड़ के रखना ये नहीं मैं फेंक के आ जाऊं। अभी मजा आया तुझे? और फोड़नी है? हेलो भाभी। हेलो 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 भैया। हेलो, आप भी रोजाना ये रंगोली बनाते रहते हो क्या? ये जब तक दिवाली खत्म नहीं होगा ना तब तक हमारा सीन चलता रहेगा, देखना। अच्छा अच्छा, और मैं हेल्प कराता हूँ भाभी के तुम्हारे। बस ब्रश पकड़ते हैं आगे लास्ट। फिर भी
फिर की जो मतलब कि मैं मतलब कि जो डेली जो हेल्प होती है ना वो काफी काबिल तारीफ होती है मेरी वजह से ही बन पा रही है। तो अभी फिलहाल अभी थोड़ी सी रंगोली और बची है, हम दिखाते हैं आपको रंगोली कैसे बनी। और आज हमारे एक नए कैरेक्टर को हमारी अभी शूटिंग कर रहे हैं, उसको हम कल बताएंगे कि वो कौन है दिवाली के दिन। आज हमारा नया कैमरा मैन है, आज भी अच्छी लग रही है ना। ठीक है, बाय बाय। बी तो हमारी हेल्प करने आया है? नहीं। फिर क्यों आया है? और चली ए दोनों पैकेट खत्म हो गए थे ना, तो वो कैंडी के बुला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही है। ये जल्दी से खत्म करो यार, इसको पटाखे फोड़ने हैं। अब कितनी देर लगेगी? होने वाला है, होने वाला है। देखिए कंप्लीट हो चुकी है और सारा सब कुछ, और अभी वापस आ गया पटाखे फोड़ने के लिए। सही था, फिर चले बस चलते फिर ऊपर। और उधर फोड़ते पटाखे, इधर नहीं भी। अच्छा, और जमीन चकरी भी चलाई है? जमीन चकरी एक खत्म हो गई। अच्छा चले, अब हो गई? हाँ हो गई, चलो आ जाओ ना, काफी मेहनत को कर ले। वो चलो मारे, हम आ गए रंगोली बना के। अब इधर पटाखे फोड़ने का प्लान है, तो हम सब मिलकर अब इधर पटाखे चलाने वाले हैं, अलग अलग टाइप्स के। आप भी पटाखे चलाओगे? मैं तो देखूंगी। अच्छा देखोगे? डरते हैं अभी, और हम दोनों चलाएंगे देखेंगे। देखिए सारे पटाखे बिखरे हुए हैं। अब संगीता चलाओ ना पटाखे, मिट्टू चलाएगा पहले। क्या मेरे को तो देखो डर लगता है, मैं तो फुलझड़ी वगैरह या फिर अनार चला दूंगी छोटा मोटा। तो चलाए, चलो चलते हैं। इधर ये पटाखा फोड़ रहे हैं, उधर ये देखो सब। लो आप चले गए ऊपर? बिल्कुल हो गए सारे पटाखे, सारे पटाखे फोड़ लिए हमने अब, और कल के लिए भी तो बचा के रखने। अभी दिवाली, मेन दिवाली तो कल है। तो फाइनली पटाखे वगैरह फोड़ के हम नीचे से ऊपर आ चुके, और मेहंदी वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है हमारे, मेहंदी लगाने का। ये रात पर चलने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बस पहले नैना का बनाया, अब ये नैना मेरे बना रही है उसी मेहंदी वाले। मुझे सर ऐसा लग रहा है संगीता कि कहीं ये तुम्हारे मेहंदी बनते बनते दिवाली ना आ जाए 12 बजे। मैं बोल मतलब सोची जो दिवाली बहुत जल्दी आ गई, मतलब तैयारी फिनिश नहीं हो रही हमारी, तो मुझे मतलब रह ही रहा है ऐसा लग रहा है। एक दो दिन और बाद आती दिवाली तो सही रहता, हम फ्री हो जाते तब तक, लग रहा है सर। चल ठीक है, वाह बनाओ तुम, हाथ वाथ में जाता हो ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज रूप चौदस थी, काफी मजा आया। बस अब ये था कि मतलब अब कल और बच रहा है दिवाली का, फिर छोटी दिवाली और सारे त्यौहार खत्म हो जाएंगे। मतलब अभी तो 3 दिन त्यौहार चलने वाले हैं, पर सब कुछ खत्म हो जाएंगे, पूरे साल इसी का वेट करते हैं। और ये दिवाली यूँ आती है और चली जाती है। कल तक सोच रहे थे कि आएगी आएगी, और अभी रात को 10 बजे ऐसा लग रहा है कि यार अभी सोए और सुबह दीपावली हो जाएगी, और वो भी निकल जाएगी। सो ठीक है फ्रेंड्स, हर साल आती है, हर साल जाती है, बड़ी खुशियाँ लेके आती है। सो आज का दिन भी अच्छा हो गया। रूप चौदस थी, नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, अलग अलग मायने में अलग अलग चीज़ें होती है, पर सबका अर्थ ये है कि आज दिवाली थी। सो ठीक है फ्रेंड्स, कल है हैप्पी दिवाली, आज ही आपको और आपके परिवार को हमारी ओर से हैप्पी दीपावली। ये दीपावली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे। और एक निवेदन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, जय भारत, बाय।